वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में अपन किस चीज पे डिस्कस करेंगे? फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो है उसके क्या क्या फंक्शन है उस पर अपन क्या है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार जो लास्ट क्लास में अपना लेक्चर हुआ था उसको फिर से समराइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू। लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू में जो अपन ने लिम्फ नोड पढ़ा था उसके बारे में अपन दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन ने डिस्कस किया था लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होते हैं? द लिम्फ नोड आर ए ओवल और बीम शेप ऑर्गन दैट लाइज ऑफन इन ग्रुप अलोंग द लेंथ ऑफ लिम्फ वेसल्स। द लिम्फ नोड है वो क्या है? ओवल और बीम शेप ऑर्गन होते हैं, ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो अपने लिम्फ वेसल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द लिम्फ ड्रेन थ्रू ए नंबर ऑफ नोड यूजुअली 8 to 10 बिफोर रिटर्निंग द वीनस सर्कुलेशन। जो लिम्फ है वो क्या ड्रेन होता है कब? ए नंबर ऑफ नोड किनके द्वारा? नंबर ऑफ नोड्स के द्वारा क्या है वो ड्रेन होता है यूजुअली 8 से 10 बिफोर रिटर्निंग द वीनस सर्कुलेशन। बिफोर यानी कि जो अपना वीनस रिटर्न का जो वीनस सर्कुलेशन है वो रिटर्न होता है उससे क्या है ये हो जाता है। These nodes carry considerability in size. Some are small as a pin head and largest are about the size of a diamond. कुछ क्या है इनकी जो साइज है वो क्या है स्मॉल पिन की होती है और जो लार्जेस्ट है उनकी क्या है जो अपना डायमंड है उनकी साइज की होती है। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड। स्ट्रक्चर कैसी होती है? द लिम्फ नोड हैव ए आउटर कैप्सूल ऑफ फाइबरस टिश्यू व्हिच डिप डाउन इनटू ए नोड सबस्टांस फॉर्मिंग पार्टिनियंस और टिमरिकल। द मेन सबस्टांस ऑफ नोड कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर एंड लिम्फोसाइट टिश्यू कंटेनिंग मेनी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज। ये जो है अपने क्या है लिम्फ वेसल्स हैं
लिम्फ नोड है, सेक्शन है एक लिम्फ नोड के, और इसके अंदर एरो है जिस दिखाए गए इंडिकेट किया गया इनसे क्या है, जो अपने लिम्फ का जो फ्लो है वो दिखाए गए हैं। एज मैनी एज फोर और फाइव एफरेंट लिम्फ वेसल्स में इंटर ए लिम्फ नोड वाइल ओनली वन एफरेंट वेसल्स कैरी लिम्फ अवे फ्रॉम द नोड। एज मैनी और फोर और फाइव यानी कि चार से पांच जो एफरेंट लिम्फ वेसल्स है वो क्या है, इंटर होती है किसके अंदर, लिम्फ नोड के अंदर, जब ओनली वन एफरेंट वेसल्स कैरी लिम्फ, जब केवल एक एफरेंट वेसल्स है वो क्या कैरी करती है लिम्फ अवे फ्रॉम द नोड नोड से। ईच नोड हैज ए कॉन्क्लेव सरफेस कॉल्ड हीलियम वेयर एन आर्टरी इंटर एंड ए वेन एंड द एफरेंट लिम्फ वेसल्स लिव। जब क्या है ये जो प्रत्येक जो नोड है वो किस शेप का होता है, कॉन्क्लेव शेप का होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं हीलियम बोलते हैं, जहां पे क्या है आर्टरी इंटर होती है एंड ए वेन एंड द एफरेंट लिम्फ वेसल्स लिव। द लार्ज नंबर ऑफ लिम्फ नोड सिचुएटेड इन स्ट्रेटेजिक पोजिशन थ्रू द बॉडी एंड आर अरेंज इन डीप और सरफेस। जो लिम्फ नोड है वो क्या सिचुएटेड होते हैं अपने बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में, और यह क्या है बॉडी के डीप में और सुपरफिशियल दोनों तरफ क्या है सिचुएटेड रहते हैं ग्रुप्स के अंदर। लिम्फ फ्रॉम द हेड एंड नेक पास थ्रू डीप एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड्स। लिम्फ फ्रॉम द अपर लिम्फ पास थ्रू नोड सिचुएटेड इन द एल्बो रीजन देन थ्रू द डीप एंड सुपरफिशियल एक्सिलरी नोड। लिम्फ फ्रॉम ऑर्गन एंड टिश्यू इन द थोरेसिक कैविटी ड्रेन थ्रू ग्रुप ऑफ नोड दैट आर सिचुएटेड क्लोज टू द मीडियास्टर्नम लार्ज एयरवे इसोफेगस एंड चेस्ट वॉल। लिम्फ है वो क्या है, लिम्फ फ्रॉम ऑर्गन एंड टिश्यू इन द थोरेसिक कैविटी ड्रेन थ्रू ग्रुप ऑफ नोड दैट आर सिचुएटेड क्लोज टू द मीडिया स्टर्नम लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज एयरवे इसोफेगस एंड चेस्ट वॉल। मोस्ट ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट पास थ्रू द एक्सिलरी नोड। जो
ये है इसके अंदर क्या है, जो लिम्फ नोड है वो शो किए गए हैं, ये अपने ऑक्सीपिटल नोड है, ये अपने सबमेंडुलर नोड है, ये डीप सर्वाइकल नोड है, ये सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड है, ये इस डायग्राम के अंदर जो अपने लिम्फ नोड है वो शो किए गए हैं। लिम्फ फ्रॉम द पेल्विक एंड एब्डोमिनल कैविटी पास थ्रू मैनी लिम्फ नोड बिफोर एंटरिंग द चाइली। द एब्डोमिनल एंड पेल्विस नोड आर सिचुएटेड मैनली इन एसोसिएटेड विद द ब्लड वेसल सप्लाइंग द ऑर्गन एंड क्लोज टू द मैन आर्टरीज। द एब्डोमिनल एंड पेल्विस नोड आर सिचुएटेड मैनली इन एसोसिएटेड विद द ब्लड वेसल्स। ये जो है नोड है ये कहाँ पे किसके साथ मैनली एसोसिएट रहते हैं, ब्लड वेसल्स के साथ। सप्लाई द ऑर्गन एंड क्लोज द मैन आर्टरीज, और क्या है जो अपने मैन आर्टरीज हैं उनके साथ क्या है क्लोज रहते हैं, लाइक आयोटा एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। द लिम्फ फ्रॉम द लोअर लिम्ब ड्रेन थ्रू डीप एंड सुपरफिशियल नोड इंक्लूडिंग ग्रुप ऑफ नोड बिहाइंड द नी एंड इट इनग्रोन इनग्वाइनल नोड। फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड, फिल्टरिंग एंड फेगोसाइटोसिस, पोलिफ्रेशन ऑफ लिम्फोसाइटोसिस। फर्स्ट क्या अपना फिल्टरिंग एंड फेगोसाइटोसिस। लिम्फ इज फिल्टर्ड बाय द रेटिकुलर एंड लिम्फ टिश्यू एज इट पास थ्रू लिम्फ नोड। पार्टिकुलेट मैटर में इंक्लूड माइक्रोब्स डेड एंड लाइव फेगोसाइट्स कंटेनिंग माइक्रोब्स सेल फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर वॉर्न आउट एंड डैमेज टिश्यू सेल एंड इनहेल्ड पार्टिकल्स। पार्टिकुलेट मैटर में इंक्लूड माइक्रोब्स, पार्टिकुलेट मैटर में कौन क्या चीज इंक्लूड होती है, माइक्रोब्स डेड एंड लाइव फेगोसाइट्स कंटेंट इन दिस माइक्रोब्स सेल फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर वॉर्न आउट डैमेज टिश्यू सेल एंड इनहेल्ड पार्टिकल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड इन लिम्फ नोड बाई मैक्रोफेजेस एंड एंटीबॉडीज। ऑर्गेनिक मटेरियल वो किसके मटेरियल है वो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय होता है, बाई इज डिस्ट्रॉयड इन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड का डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय किसके द्वारा, मैक्रोफेजेस एंड एंटीबॉडीज के द्वारा क्या है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सम इनऑर्गेनिक इनहेल्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय फेगोसाइट्स, कुछ क्या है जो फेगोसाइट्स के द्वारा क्या है नहीं डिस्ट्रॉय होते हैं। These remain inside the macrophages, either causing no damage or killing the cell. ये कहाँ पे remain रह जाते हैं, inside the macrophages, either causing no damage or killing the cells. Material not filtered off and dealt with is one lymph node pass on successive node and by the time lymph enter the blood, it has usually been cleared of origin material and सेल डैमेज। मटेरियल नॉट फिल्टर्ड ऑफ, मटेरियल क्या है वो फिल्टरिंग ऑफ एंड डेल्ट विद इन वन एंड विद इज वन वन लिम्फ नोड पास ऑन सक्सेसिव नोड एंड बाय द टाइम लिम्फ इंटर, किस टाइम पे द लिम्फ इंटर द ब्लड
इट हैज यूजुअली बीन क्लियर्ड ऑफ ओरिजिन मैटर एंड सेल डैब्रिज। इन सम केसेज वेयर फेगोसाइट्स ऑफ माइक्रोब्स इज इनकम्प्लीट दे मे स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ द नोड। जो इनलार्जमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? लिम्फेनोपैथी। नेक्स्ट क्या है? पोलिफ्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का पोलिफ्रेशन। एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई इन लिम्फ नोड। एक्टिवेटेड जो टी है और जो बी लिम्फोसाइट है वो मल्टीप्लाई होती है किसमें? मल्टीप्लाई इन लिम्फ नोड। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट इंटर लिम्फ एंड ब्लड ड्रेनेज द नोड। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? द स्प्लीन इज फॉर्म बाय रेटिकुलर एंड लिम्फोसाइट टिश्यू एंड इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। जो स्प्लीन है वो क्या है? किसके द्वारा बनता है? रेटिकुलर एंड लिम्फोसाइट टिश्यू है उनके द्वारा क्या है वो बनता है एंड इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। और ये क्या है? लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है। द स्प्लीन लाइज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो स्प्लीन है वो कहाँ पे सिचुएटेड रहती है? लाइज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम। इट इज पर्पलिश कलर इन कलर एंड वेरियस इन साइज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये क्या है? इसके कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का क्या है होता है और इसकी साइज है वो क्या है? डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। यूजुअली जो है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 7 सेंटीमीटर वाइड होता है और 2.5 सेंटीमीटर क्या है थिकनेस होती है। और वेट जो है इसका लगभग कितना होता है? 200 ग्राम क्या है इसका लगभग वेट होता है। ये जो अपना स्प्लीन का डायग्राम है इसके अंदर क्या है? स्प्लेनिक हिलियम दिखाया गया है, गैस्ट्रिक सरफेस दिखाई गई है, रीनल सरफेस दिखाई गई है, आर्टरी है, वेन है और पैनक्रियाटिक सरफेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्प्लीन। स्प्लीन के साथ कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं? तो सुपीरियरली की बात करें तो सुपीरियर और पोस्टीरियरली में क्या होते हैं? डायफ्राम जो है वो प्रेजेंट होता है। इन्फीरियरली में लेफ्ट इलेक्ट फ्लेक्सिस और लार्ज इंटेस्टाइन होती है।
एंटीरियरली में फंडस और स्टमक प्रेजेंट होता है, मीडियली में पैनक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होती है, और लेटरली में क्या है, सेपरेट फ्रॉम द 9th 10th एंड 11th रिब्स एंड द इंटरकोस्टल मसल्स बाय द डायफ्राम। ये क्या है, ऑर्गन एसोसिएट रहते हैं किसके साथ, अपने स्प्लीन के साथ। नेक्स्ट अपना है स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन। ये क्या है, अपने स्प्लीन की स्ट्रक्चर दिखाई दी। इसके अंदर ये सीरस लेयर है, गैस्ट्रिक सरफेस है, हीलियम है, स्प्लेनिक वेन है, रिनल सरफेस है, फाइब्रस लेयर है, ये इस डायग्राम के अंदर शो की गई है। अगर अपन सेक्शन काटते हैं लीवर उसका स्प्लीन का, तो अपने को ये ऐसी ही चीजें शो होंगी। द स्प्लीन इज स्लाइटली ओवल इन शेप विद द हीलियम ऑन द लोअर मीडियल बॉर्डर। जो स्प्लीन है वो स्लाइटली क्या है, ओवल शेप का होता है, विद द हीलियम ऑन द लोअर मीडियल बॉर्डर। द एंटीरियर सरफेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम। जो एंटीरियर सरफेस है वो किसके द्वारा कवर होती है, पेरिटोनियम के द्वारा कवर होती है। इट इज एनक्लोज इन फाइब्रोब्लास्टिक कैप्सूल दैट डिप इन टू द ऑर्गन फॉर्मिंग द सेलुलर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस इज कॉल्ड स्प्लेनिक पल्प। जो सर्कुलर मटेरियल है, सेल जो सेलुलर मटेरियल है वो किससे बनता है, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस से बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्लेनिक पल्प बोलते हैं। रेड पल्प इज द पार्ट ऑफ सफ्यूज विद ब्लड एंड वाइट पल्प कंसिस्ट ऑफ एरिया ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू वेयर देयर आर सेल ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेज अराउंड द ब्लड वेसल्स। द स्ट्रक्चर एंटरिंग एंड लिविंग द स्प्लीन एट द हीलियम आर। स्प्लेनिक आर्टरी या ब्रांच ऑफ सीलिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन इज ए ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, लिम्फ वेसल्स है फ्रंट आती है ओनली, नर्व ब्लड पास थ्रू द स्प्लेनिक फ्लो इन द साइनस विच हैव डिस्टेंस पोर्स बिटवीन द एंडोथेलियल सेल अलाउिंग इट टू कम इन टू द क्लोज एसोसिएशन विद द स्प्लेनिक पल्प। नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शन ऑफ द स्प्लीन, फेगोसाइटोसिस, स्टोरेज ऑफ ब्लड, इम्यून रिस्पॉन्स और
इरिथ्रोपोइसिस, ये क्या है, इसके फंक्शन है, इनको अपन क्या है नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।